बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते, तुम अपने बाप के सामने नाच सकते। असदुद्दीन अवैसी जम के भड़के ईद मिलादुन नबी का जुलूस डीजे के साथ मनाने को लेके और साथ ही साथ जो उसके अंदर गंदी गंदी हरकत देखी गई, सिगरेट शराब वो पीने को लेके असदुद्दीन अवैसी जम के भड़के और किस तरह से भड़कते हुए नजर आए, आप सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी का ये वाला वीडियो देख लीजिए। इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल 12 रबीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मिलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझ कर हाथ उठाओ, क्योंकि जाज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे। वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो, अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? समझाओगे उसको? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई, हम उनके गुलामों के गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। हम आखादो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाते खाना खिलाओ, शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते बहुत अच्छा है। साथ तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा, नहीं, तुम में ये फर्क है कि तुम में एक एजाज है, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है, तुम दूसरों को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला हम भी निकालेंगे, उन्होंने जुलूस निकाले हम भी जुलूस निकालेंगे, उन्होंने नाच रहे हम भी नाचेंगे, उन्होंने भी नारे लगा रहे हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, तुम अगर दूसरी कौमों की तखलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो, तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्नो जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है, याद रखो, तुम बहरूपिया बन रहे हो, बहरूपिया बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या कैसे आग लगी? अरे आखा जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों, आखा जब आए तो फारस के आग ठंडे हो गए, और तुम आखा के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। तुम ये भूल जा रहे हो कि कल जब हशर का मैदान होगा, हम सब जमा होंगे, जब मीजान के पास हमारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा कि हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरे उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में लेके जा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर फरिश्तों को बोलेंगे, नहीं, असदुद्दीन अवैसी को जहन्नम में नहीं डाल। ख्याल रखो, इतनी तो हया रखो, दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर, क्या कर रहे हैं तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो, क्या इन्हें हंसने की बात नहीं है? सिगरेट फूंक रहे, या रसूल अल्लाह तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे, पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे, ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते,
तुम अपने बाप के सामने नाच सकते हैं? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के मुंह की शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे? नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम। तुम अग्यारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फखर नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो, क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से। हाँ, तो आपने असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो देख लिया होगा, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जम के भड़कते हुए नजर आए कि हमारे नबी के शान में आप जुलूस निकाल रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, ये इतना शुभ, इतना सब कुछ कर रहे हो, जिसमें गंदी हरकतें कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ना गवार है। और हकीकत में जो भी, मतलब जो भी चीज़ें जो गलत हो रही है, जो इस्लाम के खिलाफ है, वो बिल्कुल गलत है, वो गलत हमेशा रहने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी भी बोलते हैं और आपने वीडियो भी देख ही लिया होगा, तो इस पर आपका क्या बोलना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर फैलाएं, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुँचे।